अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी वार्ष्णेय के मार्गदर्शन में 12 नवंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। आज जिला अधिवक्ता संघ में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी वार्ष्णेय ने अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे एवं अन्य अधिवक्तागणों के साथ बैठक आहूत की। बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अहमद रजा ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में विद्युत के लंबित प्रकरणों के निराकरण पर सिविल दायित्व की राशि पर 20% की छूट एवं प्रीलिटिगेशन विद्युत प्रकरणों में सिविल दायित्व की राशि पर 30% की छूट और एवं नगर निगम के संपत्ति कर एवं जल कर में एक मुस्त राशि का भुगतान करने पर राशि अनुसार बकाए के अधिभार में 25% से 100% की छूट प्रदान की जाए। बैठक में विशेष न्यायाधीश CM उपाध्याय, विद्युत न्यायाधीश आशीष तम्रकार, CJM रूप सिंह कनेल, न्यायिक दंडाधिकारी संजीव रहेंग डाले, जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा, सचिव अधिवक्ता संघ रघुवंश प्रताप सिंह, अशोक कुमार शुक्ला सिंह, देवेश कुमार वर्मा एंड दिनेश सेन, राममणि मिश्रा, अंकिता पांडे, मानसी तिवारी, श्रीमती अरुणा पटेल एवं मनोज सिंह सेगर अधिवक्ता उपस्थित थे। बैठक में प्रधान न्यायाधीश एवं अध्यक्ष अधिवक्ता संघ ने जनमानस से 12 नवंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में आपसी समझौते से छूट का लाभ उठाते हुए अपने प्रकरणों को निराकृत करने की अपील की है। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए, के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।